friends, we are going to see science, chapter number 6, class 6, chapter number 3, that is fiber to fabric, okay? In this chapter, in the previous video, we have studied that there are natural fibers of two types, that is plant and animals, in which we have considered and studied two types of plant fibers, that are cotton and jute. है ये दो plant fibers की हमने इसके पहले की जो video है उसमें study की है. हमें पता है कि cotton fiber is obtained from fruit of cotton plant. Cotton plant के fruit से जो fiber मिलता है उसे हम बोलते हैं cotton fiber. इन्हें ही cotton ball भी बोलते हैं अपन, cotton balls. ओके, इसके बाद में हमने इसमें एक प्रोसेस देखी थी, कौन सी? जिनिंग. द प्रोसेस इज जिनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिनिंग? जिनिंग मींस व्हाट? जिनिंग मींस रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम ए कॉटन फ्रूट. कॉटन का जो फ्रूट होता है उसके नीचे एक छोटी सी ब्राउन कलर की जो सीड होती है, वो सीड को मतलब निकाल के फेंकना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज जिनिंग. The process is called as ginning. Okay, so cotton fiber हमने देखा था, उसके बाद में we have studied jute fiber. What is it? The fiber which is obtained from stem of jute plant. The fiber which is obtained from stem of jute plant is called as jute fiber. है ना, ये दो फाइबर्स की हमने स्टडी की थी. ये दोनों के दोनों फाइबर्स जो है वो आपको क्लोथ्स बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से जो कॉटन का फाइबर है वो कॉटन के फाइबर से आप कॉटन के जो क्लोथ्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज खादी. हम उसको खादी भी बोलते हैं, बराबर है ना. कॉटन पहनने में आपको कैसे होता है? कंफर्टेबल होता है. कॉटन के क्लोथ्स में आपको गर्मी कम होती है. कॉटन के क्लोथ्स आपका जो पसीना है, स्वेट, वो सोक कर लेते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी को कूल करने में, जब कॉटन के कपड़े आपने पहने हैं और पसीना आया और थोड़ी हवा अगर आपके बॉडी को लगी तो आपको कूल लगता है. वो कूलनेस क्यों है पता है क्या? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. बॉडी की जो एक प्रॉपर्टी है खुद का टेम्परेचर रेगुलेट करने की, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने की. जो स्वेट आपके बॉडी के बाहर निकलता है वो जब वेपराइज होता है तो बॉडी कूल होती है, और ये प्रोसेस में आपको क्या करता है? कॉटन के क्लोथ्स हेल्प करते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई कॉटन आर इज मोर कंफर्टेबल. कॉटन क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल टू वेयर. ओके, जूट जो बैग्स है या कई सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो जूट के फाइबर से क्या होती है? बनी हुई होती है. कॉटन सॉफ्ट होता है, जूट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कैसे होता है? रफ होता है. ठीक है, दैट मच डिस्कशन वी हैव डन इन अवर प्रीवियस पीरियड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न. अगर आपको याद होगा तो जो सबसे पहला पीरियड जो मैंने लिया था इस लेसन का, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बनता है फाइबर. फाइबर के ऊपर प्रोसेस करके एक से ज्यादा फाइबर से आप क्या बनाते हो? यार्न बनाते हैं, और यार्न से बाद में बनते हैं उसका फैब्रिक, बराबर है ना. और फैब्रिक से बनते हैं क्लोथ्स. याद है आपको पहले पीरियड में मैंने ये सारी चीजें बताई थी ना. तो सबसे पहले बनता है फैब्रिक आपको मिला कॉटन से, फाइबर आपको मिला कॉटन से और जूट से. अब ये जो फाइबर है, आपने घर पे मम्मी या दादी जब विक्स बनाती है, कॉटन की विक्स, वाती बनाओ तो अपन दीवन भगवान के लिए दिया जलाने के लिए जो लैम्प में हम यूज करते हैं ना विक, वो बनाने की प्रोसेस देखिए क्या? ऐसे थोड़ा सा कॉटन का लंप लेती है दादी, उसमें से थोड़ा सा कॉटन का ऐसे पार्ट लेके उसको धीरे धीरे रोल करके 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 खींचती है, ऐसे धागा निकलता है. ऑब्जर्व किया है क्या? फिर उसको हाथ के ऊपर ऐसे उसके फोल्ड्स बना के उसको ट्विस्ट करके उससे
विक बनती है. क्या बनाई जाती है? ऑयल लैम्प की विक बनाई जाती है. बराबर है ना? तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग. ये जो प्रोसेस है ना, स्पिनिंग मीन्स वॉट? सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिनिंग. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर को प्रेस करके उससे यार्न बनाने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड स्पिनिंग. इसे क्या बोला जाता है? स्पिनिंग बोला जाता है. स्पिनिंग में डबल एन आता है ना. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग. अब ये स्पिनिंग का मैं फोटो दिखाती हूँ आपको. एक ये देखो, ये वाला फोटो. यहाँ पे वो जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, ये जैसे मैंने कॉटन से आपको यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ना, इन्होंने ये जो प्रोसेस है हाथ से की हुई, ये निकाला है इन्होंने. क्या इन्होंने क्या निकाला है? कॉटन का यार्न बनाया है. कॉटन का क्या बनाया है? यार्न बनाया है. बराबर है. इसके बाद में नीचे जाओ आप स्पिनिंग के प्रोसेस में. ये देखो, आपने पता है ये क्या है? हैव यू सीन दिस इंस्ट्रूमेंट? दिस इज कॉल्ड एज, ये गांधी जी का चरखा है. क्या है? चरखा. आपने देखा होगा गांधी जी का चरखे पे बैठा हुआ एक फोटो, एक आध फोटो. तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें ये जो स्पिनिंग की प्रोसेस है ना, ये मशीन के जरिए की जाती है. ये हाथ से चलाने वाला मशीन है. इसको जो व्हील है ना, वो व्हील को ये देखो, लेडी हाथ से घुमा रही है, दिख रहा है आपको? और इसको घुमाने के बाद में इससे क्या बनता है? इससे स्पिनिंग करके यार्न बनता है. और ये यार्न को इस्तेमाल करके फिर इससे कपड़े बनाए जाते हैं. तो ये चरखा जो है, दिस इज स्पिनिंग व्हील. इट इज स्पिनिंग व्हील. ओके, व्हाट इज इट? इट इज ए स्पिनिंग व्हील. द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग इज डन बाय हैंड्स एंड ऑल्सो बाय यूजिंग चरखा. आप चरखा इस्तेमाल करके इसमें क्या कर सकते हो? स्पिनिंग प्रोसेस कर सकते. चरखा भी हैंड से चलने वाला ही मशीन है. चरखा कैसे मशीन है? चरखा चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये भी आप हाथ से ही करते हो. इसके लिए मतलब ये पूरी ऑटोमेटिक मशीन नहीं है. हैंड का यूज करके आप इसको क्या कर सकते हो? चला सकते हो. तो स्पिनिंग की प्रोसेस चरखा की हेल्प से कर सकते हो. और अपने कंट्री में बहुत सारे जो ये है इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन जो चरखे पे कॉटन का स्पिनिंग करने की जो और यार्न बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको पॉपुलर बनाने के लिए, लोगों को पैसे कमाने का, अर्निंग का चांस देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए क्या किए जाते हैं? कई तरह के स्कीम्स गवर्नमेंट क्या करती है, चलाती है. उसमें से एक है ग्रामोद्योग और खादी उद्योग. आपने खादी भंडार देखा होगा. कई सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में खादी भंडार होते हैं, जहाँ पे लोगों ने हाथ से बनाए हुए जो कॉटन के यार्न हैं उससे बनी हुई चीज़ें मार्केट में बेचने के लिए आती हैं. ठीक है ना? तो दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट? दिस इज़ रिलेटेड टू मेकिंग अवर बिजनेस, मीन्स लोगों को, गाँव के लोगों को बिजनेस पॉपुलर करने की ये क्या है? एक मेथड है. ठीक है? तो इसके बाद में हम देखेंगे. अभी मैंने यार्न लिया है ना, कॉटन का क्या बनाया आपने? फाइबर से यार्न बनाया. अभी इस यार्न से आपको क्या बनाना है? यार्न से आपको बनाना है फैब्रिक, है ना? तो फैब्रिक बनाने की दो मेथड्स हम अभी देखने वाले हैं. यार्न टू फैब्रिक, यार्न टू फैब्रिक. आपको याद है मैंने आपको एक पिक्चर्स भी दिखाया था, एक कपड़े का टुकड़ा दिखाया था मैंने आपको. उसको बहुत नजदीक से अगर आप देखोगे तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा ना, ऐसे एक फाइबर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं और दूसरे फाइबर्स की जोड़ी कैसी होती है? पैरेलल, उसको हॉरिजॉन्टली अटैच की हुई होती है. ये जो मेथड है इसमें कितने यार्न यूज किए हैं आपने? आपने एक एक सीधा ऐसे डायग्राम देखो, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये ऐसे एक थ्रेड की लाइन आपके पास है, एक थ्रेड की लाइन आपके पास है. ये आपके पास क्या करते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट में इसको
ऐसे लगा लिया, फिर आप दूसरा जो थ्रेड है, दूसरा जो आपके पास थ्रेड मतलब यार्न है, वो आप ऐसे लगा दें, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जो मेथड है, आपको कितने थ्रेड्स लगने वाले हैं, कितने मतलब अगर मेरे पास यार्न के बंडल्स है, यार्न के अगर बंडल्स मेरे पास है, तो इस मेथड के लिए मुझे कितने यार्न के बंडल लगने वाले हैं, 2 बंडल्स लगने वाले हैं। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड से आप क्या करते हो, आप 2 अलग अलग यार्न का इस्तेमाल करके फैब्रिक बनाते हो। ये जो मेथड है, तो मेथड यार्न टू फैब्रिक की जो मेथड से डिवाइडेड इनटू 2 मेथड्स, हम इसको कितने मेथड्स में डिवाइड करेंगे, वी आर डिवाइडिंग इट इनटू 2 मेथड्स। मेथड नंबर 1 इज कॉल्ड एज वीविंग एंड मेथड नंबर 2 इज कॉल्ड एज नीडिंग। पहली जो मेथड है उस मेथड को आप बोलते हो वीविंग, और दूसरी जो मेथड है उसे बोलते हो नीटिंग। नीटिंग का मतलब क्या है, वीविंग का मतलब क्या है, देखो वीविंग मतलब जिसमें आपने एक मतलब एक फैब्रिक को बनाने के लिए 2 अलग अलग टाइप के वूल्स या यार्न लिए, तो उसे बोलते हो आप वीविंग। मीन्स इट इज डन बाय यूजिंग 2 यार्न, 2 बंडल्स ऑफ यार्न्स लिखेंगे अपने यहाँ पे। जब फाइबर को आप फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए 2 अलग अलग बंडल्स का इस्तेमाल करते हो, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वीविंग, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज बॉन्ड वीविंग। नेक्स्ट इज नीटिंग। नीटिंग मीन्स वॉट, जैसे मामा स्वेटर वगैरह बनाती है, तो घर में देखा है क्या, 2 सुइयां होती है और एक बंडल होता है वूल का, उसी को अलग अलग डिजाइन बना के वो क्या करती है, एक ही वूल से फैब्रिक को पूरा बनाती है। द मेथड इज कॉल्ड एज नीटिंग, द मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, नीटिंग। ओके, बाय यूजिंग ओनली 1 बटन, जिसमें सिर्फ एक ही यार्न का इस्तेमाल किया जाता है, उस मेथड को आप क्या बोलते हो, द मेथड इज कॉल्ड एज, द मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज नीटिंग। जहाँ पे 2 यार्न यूज किए जाते हैं, वो मेथड को आप बोलते हो क्या, द मेथड इज कॉल्ड एज, द मेथड इज कॉल्ड एज 2 यार्न मीन्स द मेथड इज कॉल्ड एज वीविंग। ठीक, ये देखो दिस, आपको दिख रहा है क्या, ये जो लेडी है, ये इसके वर्टिकल धागे हैं और इसके ऊपर ये क्या कर रही है, देखो ये हॉरिजॉन्टल धागे एक एक लाइन इसके ऊपर घूम रही है और फिर उसको वो नज़दीक नज़दीक लेके जा रही है। कई लोग आपने देखा है, कई लोग जो मुझे मशीन, दैट इज द मशीन ऑफ हैंड लूम, दैट इज द मशीन ऑफ व्हाट, हैंड लूम। ये लेडी जो यहाँ पे वीविंग कर रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ मशीन ऑफ हैंड लूम। ठीक है, और ये जो सेकंड पिक्चर यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, 2 सुइयों के साथ एक ही बंडल लेके यहाँ पे क्या हो रही है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नीटिंग। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, नीटिंग के प्रोसेस करते हो। तो दोनों में फर्क क्या है, एक में एक बंडल यूज किया जाता है, एक में 2। ठीक है, नाउ हम एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स।
History of clothing material. फाइबर्स भी इन्वेंट किए लोगों ने, उसके बाद में सिंथेटिक फाइबर्स
ठीक है। तो अभी हम क्या पहनते हैं, हम स्टिच किए हुए, नील किए हुए, वेव किए हुए कपड़े पहनते हैं, हम कॉटन के पहनते हैं, रेयन के पहनते हैं, नायलॉन के पहनते हैं, सिल्क के पहनते हैं, है ना। अभी बहुत वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स जो यूज इन आवर डेली लाइफ। ओके, सो यहाँ पे फाइबर टू फैब्रिक ये लेसन होता है फिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद पे जो इसमें मतलब इसके बाद के पीरियड में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। नोट्स निकालो।